तुम्हें पता है, अम्मा जान तो सऊद की शादी अपनी भांजी हुस्ना से करना चाहती थी, और सारा वो तो चाहती ही नहीं थी कि सऊद की कभी शादी हो। आप कहना क्या चाह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल ठीक कर रही हो। इन लोगों को ऐसे ही आईना दिखाओ। सऊद तुम्हारे साथ है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। मुझे तो फवाद बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं बोल पाती मैं, है ना। मेरे पाँव तले तो जमीन ही नहीं है। और वो मारिया आपी जब भी आती है घर में फसाद फैला देती है। अम्मा जान को वो नजर नहीं आता। पूरा दिन इतनी बातें, इतने ताने, उफ, अल्लाह की पनाह, जीना हराम कर दिया उन्होंने हमारा। कि मैं क्या करूं, तो कुछ भी नहीं कह सकती। जिसका कोई सहारा नहीं होता ना, वो किसी को कुछ भी नहीं कह सकता, है ना। मैं तो बहुत बेबस हूं। लेकिन मैं तुमसे फिर कह रही हूं, तुमने जो किया और तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। बल्कि अगर हो सके ना तो जल्द से जल्द सऊद को यहां से ले जाओ, वरना तुम्हारी तलाक पक्की। हाँ, ठीक कह रही हूं मैं। ये लोग तुम्हें यहां बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। अच्छा चलो, अब रो तो मत ना प्लीज। अम्मा जान बुला रही हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं नीचे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर अम्मा जान को कहती हूँ कि तुम आ रही हो। क्या हुआ? पाँव में लग गई है। तुम चलो मेरे साथ, उठो। इस तरह शॉपिंग जाने की जरूरत नहीं है, तो चलते आराम करो। चलो आराम से, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाए। उठो आराम से, चलो आराम से, वजन मत डालो। देखिए, चलो देखिए, दरवाजा खोला। चलो, कैसी लगी तुम्हें शॉपिंग? अच्छी है, मगर जैसी मैंने सोची थी वैसी नहीं है। लगता है तुम्हें शॉपिंग इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, हालांकि मैंने एक चीज अपनी पसंद से खरीदी है। आपकी पसंद में अगर मेरी पसंद भी शामिल हो जाती तो शॉपिंग ज्यादा अच्छी हो जाती। ये कलर तो ये नहीं पहनाऊंगी मैं अपने बच्चे को। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ठीक है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे साथ जाकर और शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हो, क्या कर रही हो? अरे वाह, आज तो आवाज से लग रहा है मेरी बेटी बहुत खुश है। हाँ, वो तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बताऊंगी नहीं कि क्यों खुश हूँ। क्यों? खैर तो है, अपनी माँ को भी नहीं बताएगी। अच्छा ये बताओ, कर क्या रही थी, क्या चल रहा था घर में? हाँ, बस बुरे हाल है। मैंने सोचा था सलमान बहनोई के पास नौकरी करेगा तो हमारे दिन भी फिर जाएंगे, मगर हम तो वहीं के वहीं हैं। अब क्या हो गया? अरे होना क्या है, 20,000 रुपए पे तुम्हारे शोहर ने उसे नौकर रखा हुआ है। क्या हो गया अम्मा? वो सलमान नकारा नकट्ठू, उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, क्या ये कम है? उसको आता ही क्या है? हाँ, फिर भी फवाद को कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्या है, कितने पैसे मिलने चाहिए सलमान को? भाई कम से कम 50,000 तो हो। 50,000 रुपए अम्मा, इस सलमान को कौन देगा? काम ही क्या करता है ये? बस कर फरवा, भाई की हमायत करने के बजाय अपने शोहर की हमायत कर रही है। वो तो मैं करूंगी, मेरे शौहर हैं आखिर। वाह बे वाह, जैसे उसने तुझे अपनी हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। वो भी बहुत जल्द बन ही जाऊंगी, बस तुम देखती जाओ। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। फरवा ले भाई, मेरी तो एक बात नहीं सुनी, अपनी सुना सुनो की बात कर दिया। Hey guys, I'm संबुल इकबाल और सब्सक्राइब करें ARY डिजिटल का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।